ऐसा बिल्डिंग गिरवा दे है मोदी काहे नहीं कैसा गिरवा दे जबरदस्ती सरकार तो कह रहा है कि नहीं हम जो है कि जमीन कर देंगे नहीं तो हम जमीन ना चाहिए हमें हमारे बिल्डिंग हमारे घर द्वार चाहिए हमें पलवार चाहिए हमें बिल्डिंग ना चाहिए उनका रुपया ना चाहिए मोदी के हाँ अगर पैसा मिल जाएगा नहीं तो पैसा ना चाहिए ना बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी नहीं हमें पैसा ना चाहिए हमें हमारे जितना धरती बा उतना हमें चाहिए उससे ज्यादा हमें ना चाहिए हमें रुपया ना चाहिए सीधी बात हमें रुपया नहीं चाहिए नहीं नहीं हम कमा के खा लेंगे हम लोग मेहनती आदमी है परिश्रम करके अपना पसीना बहा के मजदूरी करके हम लोग खा लेंगे 5 किलो गल्ला से हम लोग का जिंदगी नहीं खत्म हो घर द्वार रावण करी गोरू छेड़ी बकरी लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए लोगों पर जब मुसीबत पड़ी तो कोई नहीं आया हम लोग सांसद के यहाँ भी गए लेकिन सांसद बोले कि हमको वहाँ जाना नहीं है ये वो गांव है जो गांव परेशान है सिर्फ और सिर्फ हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से और सरकार की नीतियों से। नीतियां क्या है आपको बता दूं कि जब इन लोगों के बीच में जब पहुंचा तो एक जगह लोग बाग में बैठ करके धरना दे रहे थे और इन लोगों का कह रहे थे कि सरकार हमारा ज़मीन और घर बर्बाद करना चाहती है हमारा ज़मीन और घर अपने नाम करना चाहती है यानी हथियाना चाहती है। हमने सोचा क्यों ना इनके गाँव में जाएँ और गाँव की स्थिति दिखाएँ और सच में जब गाँव में पहुँचे तो सभी के चेहरे पर बस खौफ ही खौफ दिखाई दे रहा था। आपको बता दूँ कि हम इस समय हैं आजमगढ़ के हसनपुर में और हसनपुर की महिलाएं लगातार कहीं न कहीं डरी हुई हैं कि आज तो खाना बन जाएगा लेकिन पता नहीं कल सरकार के वो अधिकारी सरकार के वो कर्मचारी कहीं न कहीं आ करके हमारे घरों को उजाड़ने की कोशिश करेंगे। अभी पिछले दिनों सुना गया था कि यहाँ पर रात रात में सर्वे चल रहा था और सर्वे का जो कोई विरोध करता था तो उनको लाठी और डंडे से भी पीटा जाता था। यहाँ की महिलाओं का भी बयान था लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इन लोग महिलाओं से बात करने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या यह बात सही है या आप सरकार के खिलाफ हैं। घंटिये का है बजा रहे बाबा ठीक है ठीक है मतलब कौन दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत यह है कि गांव जात हुआ तो हमारे लोगन बसब कहाँ अच्छा हाँ रहल कहाँ जाई आ कहाँ से इतना हमारे लोगन का मेल हो पाई या कहाँ दवाई सुई के करी किया करावल जाए कैसे का हुई आप लोगों से बैठकर बातें करने के लिए कोई कर्मचारी आया आपके नहीं नहीं कोई कर्मचारी नहीं आया इतना दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लेकिन कोई हम लोगों के यहाँ हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं मिला। हाँ अच्छा हाँ मतलब कोई भी आया नहीं कि हम आपसे बात कर पाए। हम लोग सांसद के यहाँ भी गए लेकिन सांसद बोले कि हमको वहाँ जाना नहीं है। अच्छा सांसद ने कहा कि हम नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाना है। अच्छा हाँ तो क्या कोई फरमान आया जारी हुआ या कभी ऐसे आप लोगों के घर पे कोई सूचना आई कि नहीं आप लोगों को जमीन वापस करना है देना है। वो लोग नापने आए हाँ। तो लोग मना किए हाँ। और वो लोग जबरदस्ती नाप के ले गए। हम लोग विरोध किए हाँ। कि हम लोगों को ये गांव और ये जमीन हाँ। छोड़ना नहीं है हाँ। हम लोग जमीन नहीं दे सकते हैं। प्लेन बना है आपके बगल में हाँ। तो बहुत लोगों की खेत गया होगा बहुत लोगों की जमीने गई होगी तो उसके बदले पैसा में तो लोग बाहर जाकर के शहर में रहकर बिल्डिंग बना कर रह भी रहे। अरे तो भैया बिल्डिंग बना के रह रहे हैं लेकिन इतना लोगों से भेंट कहाँ होगी। सही बात है इतने लोग इकट्ठा कहाँ होंगे। कोई मरता है कोई जीता है तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। एक बात और बताइए कि जब चुनाव का समय आता है तो हर घर में कई हजार नेताओं की संख्या जुड़ जाती है हजार नेताओं और हम लोगों पर जब मुसीबत पड़ी तो कोई नहीं आया। अच्छा हाँ कोई नहीं आया है इस मुसीबत का साथ देने के लिए कोई नहीं मिला। लेकिन आपके सांसद जो है कि बहुत अच्छा कह रहे हैं कि हमने रेलवे का भी अच्छा सा निर्माण करा विस्तारीकरण करा तो इस हवाई अड्डा का विस्तारीकरण ये बताइए जब हमारा घर द्वार नहीं रहेगा हमको लोगों से भेंट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। ये बड़ा सवाल है कि जब हमारे पास घर नहीं रहे इससे बढ़िया कि हवाई अड्डा ले जा करके दूसरी जगह बनवा दे। अच्छा। तो कमाने खाने की क्षमता नहीं है और विदेश जाने की क्षमता थोड़ी हम लोगों को है। क्या माता जी क्या कह रही हूँ क्या कह तू बतावा इधर चाची भाग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मोदी जी पकड़ ले चाहे मोदी जी काम का तो है कि कप्तानगंज खुदा विदेश हम लोग के बनल है। अच्छा। तब का तो लड़कवा तो हार तो जो है कि विदेश उदेश जाइए पढ़े उड़े। अरे जब लड़कवा जाइए तब देखल जाए विदेश हाँ जब घर द्वार रावण करी गोरू छेड़ी बकरी लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए। आपको भी डर है कि हमारा ये बिल्डिंग गिर जाएगा काहे गिर जाए बिल्डिंग गिर जाए ऐसा बिल्डिंग गिरवा दे मोदी काहे नहीं
कैसा गिरवा दे जबरदस्ती? सरकार तो कह ही रहा है कि नहीं हम जो है कि जमीन कर देंगे। नहीं हम जमीन ना चाहिए, हमें हमारे बिल्डिंग हमारे घर द्वार चाहिए, हमें पलवार चाहिए, हमें बिल्डिंग ना चाहिए, उनका रुपया ना चाहिए मोदी के। हाँ चाची अगर पैसा मिल जाएगा नहीं तो पैसा ना चाहिए ना, बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। नहीं हमें पैसा ना चाहिए, हमें हमारे जितना धरती बा उतना हमें चाहिए, उससे ज्यादा हमें ना चाहिए, हमें रुपया ना चाहिए, सीधी बात। हमें रुपया नहीं चाहिए? नहीं नहीं। ये बताइए आप सुनी होंगी कि मतलब धरना में जाती है कभी आप? हाँ जाए। तो ये गांव की समस्या है, इन लोगों का कहना है कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे। और आपको बता दूं कि शायद ही ऐसी घनी बस्ती आपको आजमगढ़ के किसी इलाके में देखने को मिले। आपको दिखा दूं कि अगर ये आज मैं इस गांव में हूं तो इतने लोग मात्र मिनटों नहीं भी लगा है, मात्र 5-6 मिनट के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं लग रहा है कि कोई मेरा सुनने वाला आया है। लेकिन इनको क्या पता कि हम तो चले जाएंगे सुना करके, फिर रात में क्या होगा, इनका अभी भी इनके आंखों में खौफ है। देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो सब लोग दौड़ जाते हैं, नेता लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, कहते हैं कि हमहू को वोटवा देबा तब हम कुछ कर पाए। और विधायक जब बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो ना तो इनका दर्द सुनने आता है, ना इस जैसे घर को देखने आता है कि ये घर कब गिर जाएगा, और इसमें भी कोई ना कोई रहता है। हमें तो इतना नहीं पता है क्योंकि मैं आज आया हूँ। इनको कहना है कि यहाँ में कोई रहता है, अगर नहीं रहता तो शायद इसको अच्छी तरह से ढका नहीं होता, कभी गिरा लिया गया होता। लेकिन आप रह लू क्या चाहते? सुनवाई है ना कछु कहा तो मरी जाब अपन दबाई के का करब। अच्छा हमारे के कमेरा है ना बेमेरा है तो के बताओ, सरकार कभी तुम्हार हाल चाल लेवे आवेले की दादी कर्मचारी आता है कहीं मिलल हाउ मिलल काबो न। सुन लीजिए, इसी बात का दुख है, इसी बात का रोना है कि जब आप रातों रात प्लानिंग कर देते हैं कि इस गांव घर की नपाइया कर दो, इस अगल बगल इलाकों का नपाई कर दो, कि रात में हम नपाई करके चले गए और सुबह चारों तरफ से किसी न किसी तरह लाठी और डंडे के बदौलत इन लोगों का घर जब्त कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का अभी भी है कि इन लोगों का सुनेगा कौन। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस दादी को पास घर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका घर बर्बाद करने की, अगर आवास देना होता तो कम से कम इनको आवास दे दिया गया होता तो कुछ बात की जाती, लेकिन ना आवास मिला है, लेकिन बल्कि इनका जो है कि घर ढहाने की तैयारी की जा रही है। भगवान दे आवास हमें ना दे, कब ना दे। एक बात बता दे, हम कब से सोच रहे थे, कहना जरूरी था, इसलिए सोच रहा कहना जरूरी था कि इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि शायद सत्यानंद स्वामी जाकर के गांव में इसी तरह बोलने पे लिए कह दिया होगा। लेकिन सबसे पहले बताया हम लोग, आप लोगों कुछ कहा है बोलने के लिए? नहीं, 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 कुछ दिया है पैसा वैसा? नहीं नहीं। अच्छा ये क्या बाबा जी? नहीं आप लोग हम लोगों से कुछ नहीं लिए। अच्छा आप लोग गाँव में आए और गाँव की खबर लिए? आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि हो सकता है कि ये लोग जाते होंगे बोलने के लिए, कहते होंगे, ये लोग बोलते होंगे जबरदस्ती, और इनका दर्द नहीं भी होगा तो ये लोग जबरदस्ती बुलवाते होंगे कुछ पैसे के बदौलत। हम आपको बता दूं कि बाबा भी परेशान है। हाँ परेशान है हम, और हम अपनी जमीन अपना जन्म स्थल नहीं छोड़ेंगे, और हम कहाँ जाएंगे, और हमारी मजबूरी है, हम लोग गरीबी ही में बिताएंगे चाहे अमीरी में बिताएंगे, मगर अपना जन्म स्थल नहीं छोड़ेंगे, और न हवाई अड्डे की जरूरत है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग बस के किराए नहीं होता तो हम लोग प्लेन से कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग जमीन न देंगे अपना, न अपना घर उजड़वाएंगे सरकार। नहीं जमीन नहीं दिया चाचा, अगर राशन बंद कर दिया सरकार तो राशन बंद कर दे वो हमको मंजूर है। हम लोग कमा के खा लेंगे, हम लोग मेहनती आदमी है, परिश्रम करके अपना पसीना बहा के मजदूरी करके हम लोग खा लेंगे, 5 किलो गल्ला से हम लोग का जिंदगी नहीं खत्म होगी। हम लोगों के पास हमारे पूर्वजों ने बिप्पा दो बिप्पा, यहाँ कोई 4-5 बीघा वाला जोतिया नहीं है, यहाँ कोई भी हो पूछ लीजिए, शायद ही किसी के पास 2 बीघा से ज्यादा हो, लेकिन भगवान ने दिया है, पूर्वजों ने बनाया है, बिप्पा दो बिप्पा तो है, खरीदना नहीं पड़ता है, हम धरती का पीना फाड़ करके अनाज पैदा कर लेते हैं कि अपना पेट भर सके। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज इनके
आवास दहना हमें तो सिक्रेटरी परसों आलन है धमकी धुमकी देता ना दस्तखत जबरदस्ती करावत कहने की पैसा आपिस करा तो हम कहानी हम रानी रेवा गरीब मनाई तो हम कहाँ से आपिस करी हमके ले चला थाने में डर दा हम वही तुहार वसूल करब हमारे इतना के उभारे वाला आपिस करे वाला हम का करे कि हमें आवास दहला तो ये किस्त ना डाली हम अभी किस्त भी नहीं आई और नहीं। आपके पास ऊपर हाँ हमके नोटिस लेके हम रोज दस्तखत करावे ने। देखिए बहुत बड़ा और कठिन मामला है इसलिए मैं गांव में घुसा हूँ। धरना से बस कुछ महिलाएं बोलती थीं लेकिन आज समझ में आया कि सच में इनकी तकलीफें क्या है। मैं पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार दिखाते रहूंगा जब तक इनके पक्ष में कोई बात नहीं की जाती है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।